Hello and welcome back to Global Online Platform. This is Chandni Swarnikar and today we are going to cover archetypal criticism. हम समझेंगे archetypal criticism क्या होता है, उनके जो related writers हैं जिन्होंने contribute किया है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे J.S. Fraser हो गए, Carl Jung हो गए, Northrop Frye, Maud Watkin. ठीक है, you can get my lectures at 8 PM on a daily basis. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि JRF लेने के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है स्मार्ट प्रिपरेशन करना. उसके लिए इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट कोर्स जो है ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आई है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी. एग्ज़ाम के लेटेस्ट पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है. इसमें आपको फुल वीडियो सिलेबस लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. इसके साथ ही आपको फुल सिलेबस PDF नोट्स फॉर्मेट में अवेल कराया जाएगा, जिससे आप इजीली अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. ठीक है, उसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसे एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है, तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. और सबसे अच्छी इस कोर्स की बात यह है दैट आपको कंप्लीट कोर्स जो है पेपर वन का वो फ्री प्रोवाइड कराया जाता है. इसका मतलब है कि आप जो है 3600 रुपीज़ जो है सेव करते हैं. ठीक है, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म समझते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो आर्किटाइपल क्या होता है, आर्किटाइपल से पहले आप समझिए आर्किटाइप्स क्या होते हैं. आर्किटाइप्स बेसिकली एक यूनिवर्सल टाइप का पैटर्न, एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है जो कि यूनिवर्सली फॉलो की जाती है. ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली आप पे ही फॉलो होगी या किसी और पे ही फॉलो होगी. तो एग्जाम्पल हीरो का ले लेते हैं. हीरो क्या होता है, मतलब जब भी आप हीरो बोल रहे हो तो क्या दिमाग में आ रहा है, या तो कुछ क्वालिटीज, कुछ अच्छी क्वालिटीज, किसी को सेव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल क्रिश वॉज ए हीरो, है ना, हातिम वॉज ए हीरो, तो आपको क्या दिमाग में आ रहा है. पृथ्वीराज वॉज ऑल्सो अ हीरो, सो क्या दिमाग में आता है ये सारी चीज़ को, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. अब अगर हैरी पॉटर, चलिए वेस्टर्न की बात करें तो हैरी पॉटर का एग्जाम्पल ले, तो क्या दिमाग में आ रहा है कि किसी की रक्षा कर रहे होंगे, या ऐसी क्वालिटीज होगी जो नॉर्मली बच्चों में या लोगों में नहीं पाई जाती है. ठीक है, तो बट हर जगह सेम पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्किटाइप्स. अब आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म क्या होता है, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म स्टैंड्स फॉर दोज एनालिटिकल थ्योरी विच एक्चुअली फोकस ऑन मिथ्स एंड आर्किटाइप्स टू इंटरप्रेट अ टेक्स्ट. ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए फोकस कहाँ रखते हैं, वो मिथ पे और आर्किटाइप. आर्किटाइप और मिथ को बुक में या टेक्स्ट में किसी भी तरह से अगर अवेलेबल है, सिंबल के रूप में, ठीक है, सिंबल्स में है या किसी भी तरह से अवेलेबल है, तो उसको वो स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, विच आर्की और टाइपोस. ठीक है, आर्की स्टैंड फॉर बिगिनिंग, टाइपोस स्टैंड फॉर इम्प्रिंट. नाउ ये ऑल्सो फोकसेज ऑन, जैसा मैंने बोला, यूनिवर्सल सिंबल्स पे फोकस करता है एंड पैटर्न्स पे फोकस करता है, दैट इज इन लिटरेचर. ठीक है, आप बहुत तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हीरो का दे सकते हैं, यहाँ पे मेंटर का दे सकते हैं. और एक चीज़ है, जैसा मैंने बोला, हर कल्चर में ये मिलती है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है. हैरी के का जो कैरेक्टर है, हीरो जो है, वो हर तरह के कल्चर में आपको मिलेगा, हर टाइम पीरियड में मिलेगा. जैसे बियोवुल्फ को हीरो समझते हैं ओल्ड पीरियड में, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में. उसके बाद धीरे धीरे जब स्टोरी बढ़ती है, पीरियड्स जब आगे बढ़ते हैं, तो उस टाइम के भी बहुत तरह के हीरोज हैं, राइट. फेरी क्वीन में है, और भी बहुत तरह के वर्क्स हैं. तो एक्चुअली इट शोज अ फंडामेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, तो सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है, दैट इज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर आर्किटाइप्स. एंड ऑल्सो व्हेन यू ट्राई टू इंटरप्रेट अ टेक्स्ट बाय फोकसिंग ऑन रिकरिंग मिथ्स एंड आर्किटाइप्स, दैट इज कॉल्ड आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म. ठीक है, आई थिंक आई हैव क्रिएटेड अ मेस हियर. ओके, लेट मी क्लीन दिस अप. या नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. वेट, हम J.S. Fraser समझते हैं. सबसे पहले एक चीज़ समझिए, J.S. Fraser ने ऐसे नोटेबली कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आर्किटाइपल में नहीं दिया, बट हाँ मिथ्स के बारे में उन्होंने बात की है. तो फिर भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ही कॉन्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ थ्योरीज केम. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड. देखिए, एंथ्रोपोलॉजिकल ऑरिजिन ऑफ आर्किटाइप क्रिटिसिज्म जो है प्री डेट इट्स एनालिटिकल साइकोलॉजी ऑरिजिन बाय ओवर 30 ईयर्स. बहुत पहले की आप समझ सकते हैं कि ये जो है आई हुई है, बट जैसा होता ना कि बहुत पहले भी ये एग्जिस्ट करता था, बट लोगों ने बात नहीं किया, फिर लोगों ने बात करना शुरू किया, तो
वो भी एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन लोगों ने लिखना शुरू किया। सबसे पहला जो लिखना शुरू कर देता है ना, जैसे बहुत लोगों ने बुक्स के बारे में पहले बात की कि अच्छा ये चीज़ होती है, बट आपने बुक लिख दिया तो आपका ही नाम होगा ना। इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, पीपल से दैट, राइट? ठीक है, तो जे एस फ्रेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द गोल्डन बो, ठीक है, विच वॉज पब्लिश बिटवीन 1890 टू 1905, ठीक है। नाउ रिटन बाय द स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इनका पूरा नाम यहाँ पे मैंने दे दिया है, मेंशन कर दिया, अब ध्यान में रखिए, सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, ये सिर्फ जे एस फ्रेजर नहीं है, सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर हैं जिन्होंने माइथोलॉजीज में बहुत अच्छा काम किया है, इन्फ्लुएंस किया है टेक्स्ट को, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक जानकारी जो हमें जे एस फ्रेजर के बारे में चाहिए। नाउ आप ये समझिए कि इनका जो वर्क है द गोल्डन बो, ठीक है, द गोल्डन बो इनका इसका नाम है, लेकिन इसे रीटाइटल किया गया है द गोल्डन बो कॉलिन अ स्टडी इन मैजिक एंड रियलिज्म, ठीक है, रीटाइटल किया गया है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। नाउ बहुत तरह के माइथोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बहुत तरह के आर्किटाइप्स के बारे में भी बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले उन्होंने बात की क्या कि जो प्रिमिटिव रिलीजन रिलीजन में जो मिथोलॉजिकल बिलीव्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उन्हें उनको आइडेंटिफाई किया है, और मॉडर्न रिलीजन में क्या क्या जो है मिथोलॉजिकल बिलीव्स हैं उसे आइडेंटिफाई किया है, मतलब दोनों के बारे में उन्होंने बात की है, ठीक है। आइडेंटिफाइज प्रैक्टिसेस एंड मिथोलॉजिकल बिलीव शेयर्ड अमॉन्ग प्रिमिटिव रिलीजन्स एंड मॉडर्न रिलीजन्स, पहले के भी रिलीजन्स होंगे ना, उसमें किस तरह के माइथोलॉजी बिलीव्स थे, माइथोलॉजिकल बिलीव्स थे, अभी किस तरह के, मतलब उनके टाइम पे, ऑफकोर्स नॉट योर टाइम, अबाउट योर टाइम। सो इट टॉक्स अबाउट प्रैक्टिस एंड मिथोलॉजिकल बिलीव शेयर अमॉन्ग प्रिमिटिव रिलीजन्स एंड मॉडर्न रिलीजन्स। इट ऑल्सो लाइक ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है, तो डेथ और रीबर्थ का भी मिथ के बारे में ये बात करते हैं। उनका कहना है इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल कल्चरल मिथोलॉजीज, हर जगह प्रेजेंट होती है, डेथ से आप कैसे ही मतलब छुटकारा पाओगे ना, और रीबर्थ भी का भी जो कॉन्सेप्ट है वो हर कल्चरल मिथोलॉजी में आपको देखने को मिलता है। देखिए डेथ को और रीबर्थ को इन्होंने कैसे मतलब शो किया है, डेथ मतलब क्या है, फाइनल हार्वे से सिम्बलाइज किया है इसे, ठीक है, एंड रीबर्थ को क्या क्या है, स्प्रिंग कहते हैं, दैट इज स्प्रिंग, इट सिम्बलाइजेज एज द गॉड ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। ये दोनों जो पॉइंट है वो ध्यान रखिए कि डेथ को किस चीज़ से सिम्बलाइज किया है, रीबर्थ को जो है किस चीज़ से सिम्बलाइज किया है। नाउ फ्रेजर ने इस वर्क में बेसिकली मिथ जो है पर्सिफोन का जो मिथ है उसके बारे में भी जो है बात की है। इसमें क्या होता है, हु वॉज टेकन टू द अंडरवर्ल्ड बाई हेड्स, मतलब इन्हें जो है पकड़ के ले जाया जाता है, मतलब वो बेसिकली किडनैप करके या जो भी, हेड्स के द्वारा हर मदर डिमीटर, इनकी जो माँ होती है द गॉडेस ऑफ द हार्वेस्ट, वो सो सैड दैट ही स्ट्रक द वर्ल्ड विथ फॉल एंड विंटर, वो इतनी अपसेट हो जाती हैं दैट पूरे वर्ल्ड को बारिश से और पूरे ठंड से जो है परेशान कर देती हैं एकदम। जैसे होता ना कि बहुत सारे मिथोलॉजीज में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत भगवान जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद प्रलय आ जाता है, इस तरह का सीन है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वेट, नॉर्थरप फ्रायर समझिए। देखिए नॉर्थरप फ्रायर के बारे में ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक हैं, ठीक है, ये समझनी है। दूसरी ये समझनी है दैट ही गेन्ड इंटरनेशनल फेम, एक वर्क की वजह से उनको बहुत जो है लोगों ने जाना, बहुत फेमस हो गए, दैट इज फियोफुल सिमेट्री, उनकी पहली बुक थी। हेरोल्ड ब्लूम ने इन पे कमेंट किया है जब वो बुक पब्लिश कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर बुक की पब्लिकेशन के टाइम उन्होंने कहा द फॉर्मोस्ट लिविंग स्टूडेंट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, द फॉर्मोस्ट लिविंग स्टूडेंट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, ये ध्यान में रखिए। किसी ने बोला भी था कि मैम कमेंट्स पे भी आप थोड़ा ध्यान देना, तो मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ वर्क्स आप समझिए, सबसे पहला जो वर्क है द फियरफुल सिमेट्री मैंने अभी मेंशन किया, विच वॉज पब्लिश इन 1947, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं ये क्या, मतलब बेसिक आइडिया भी आप समझिए कि फ्राई एक्सप्लोर्स द सिंबलिज्म एंड इमेजरी इन द पोइट्री ऑफ विलियम ब्लेक्स, विलियम ब्लेक के जो वर्क्स में सिंबलिज्म एंड इमेजरी हैं उनके बारे में जो है उन सारी चीज़ों को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली शोड इन फियरफुल सिमेट्री, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म विच वॉज पब्लिश इन 1957, वन ऑफ फ्राइज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क, ठीक है, बहुत फेमस वर्क है ऑफकोर्स इसका। किस चार तरह के क्या जो मैं अभी बताऊंगी, फोर टाइप्स ऑफ
फोर टाइप्स ऑफ एसेज, ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ एसेज के बारे में, मतलब कौन कौन से एसेज हैं इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी हम करेंगे, ठीक ना। और जो भी अपने थ्योरी आर्किटाइप्स की थ्योरी थी या मोड्स ऑफ लिटरेचर की थ्योरी थी, उसको वो क्या कहते हैं, माइथोई, ठीक है, ये ध्यान में रखें। देन तीसरा वर्क है द एजुकेटेड इमेजिनेशन, विच वॉज पब्लिश इन 1963, ठीक है। ये बुक क्या डिस्कस करती है, रोल ऑफ लिटरेचर इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन। ये बताती है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे रोल ऑफ लिटरेचर इन एजुकेशन, मतलब जो है लिटरेचर का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन के लिए, पीपल हार्डली टॉक अबाउट इट। उन्हें लगता है कि सिर्फ बुक्स पढ़ने हैं, बस यही होता है, बट ही अनफॉर्चुनेटली टॉक्ड अबाउट इट। लिटरेचर का जो रोल होता है एजुकेशन एंड सोसाइटी में क्या होता है, कितनी इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के बारे में भी बात करते हैं कि इमेजिनेशन कितनी ज़रूरी होती है। बहुत बच्चों को बोला जाता है ना, तुम इमेजिनेशन में ही रहते हो, तुम ना असल दुनिया में आओ, तो प्लीज़ इफ़ यू कैन इमेजिन प्लीज़ डू इट, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। लोगों की ना सुने बट हाँ अपना काम भी करें। देन द फोर्थ वन द ग्रेट कोड, ठीक है, द कॉलिन द बाइबल एंड लिटरेचर। इसमें उन्होंने क्या बात की है, बिब्लिकल थीम्स को एग्जामिन किया है एंड देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन वेस्टर्न लिटरेचर। फोकस कीजिए, यहाँ पे वेस्टर्न लिटरेचर की बात हो रही है, तो बिब्लिकल थीम्स को एग्जामिन किया है और उसके जो भी इन्फ्लुएंसेस रहे हैं वेस्टर्न लिटरेचर पे, उनको भी ये जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ थ्योरी जो है आर्किटाइपल थ्योरी एक है, और मोड्स ऑफ लिटरेचर में इन्होंने फोर मेन मोड्स के बारे में बात किया है, तो ये भी हम करने वाले हैं अभी, ठीक है। सिंपली देखिए, मैंने माइथोई के बारे में बताया ना, वो जितने भी एक्सपीरियंसेस के बात करते हैं, मिथोलॉजिकल बिलीव्स के बारे में बात करते हैं, उसको एज अ माइथोई रिप्रेजेंट करते हैं। ना इनका मानना है कि माइथोई जो है हर कल्चर में, हर डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट टाइम पीरियड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और सेम रहता है, ठीक, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंस। आपको विलेन का जो कैरेक्टर है, समझिए विलेन का जो कैरेक्टर है ना, लोगों में बुराइयाँ होती है, रावण एक पूरा बनाया हुआ कैरेक्टर आप मान सकते हो, लेकिन जो है उसमें भी क्या होता है कि वो एक्चुअली में बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि लोग वैसे होते हैं, लोगों में इस तरह की जो है ना, जैसे दूसरों की वाइफ पे इंटरेस्ट एंड किसी को जीतने ना देना, ईगो वाली जो फीलिंग होती है, वो एक्चुअली में ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ह्यूमन इमोशन है, ठीक है। ही सेज दैट। देन मोड्स ऑफ लिटरेचर में बात करते हैं, तो फोर मोड्स के बारे में इन्होंने बात की है, जिसमें कॉमेडी आ गया, ट्रेजेडी आ गई, रोमांस आ गया, आयरनी आ गई, आयरनी स्लैश सेटायर, ठीक है। नाउ ये कॉमेडी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, रीबर्थ ऑफ अ हीरो, ठीक है, क्योंकि स्टोरी तो हीरो की ही होती है ना, चाहे एंटी हीरो या ओरिजिनल जो हीरो होता है। ट्रेजेडी किस चीज़ के बारे में होती है, डिफीट ऑफ अ हीरो, ठीक है, स्टैंड्स फॉर ऑटम, ऑटम सीजन। रोमांस किस चीज़ की होती है, बर्थ ऑफ अ हीरो। ये जो चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ, ध्यान में रखना है। आइरनी स्लैश अटायर जो होता है ना, एब्सेंट ऑफ अ हीरो, ठीक है, दैट इज विंटर। ओके, नाउ इतनी चीजें आप ध्यान में रखिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए इस पे क्वेश्चन बने थे कि कितने एसेज हैं, कभी आपसे पूछ देंगे कि कौन कौन से हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप पहले ही कर लीजिए। नाउ फ्रायर्स फोर एसेज आर सैंडविच्ड बिटवीन, सैंडविच्ड बिटवीन बेसिकली क्या है, आप सैंडविच बनाते हो तो एक लेयर ब्रेड की और दूसरी लेयर ब्रेड की, और बीच में जो है जो भी आप इंग्रेडिएंट डालते हो, तो बेसिकली पहली जो ब्रेड है वो ये है पोलेमिकल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, दूसरी जो ब्रेड है वो टेंटेटिव कंक्लूजन है, ठीक है। नाउ बीच में जो है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, ये जो एसेज हैं वो आ गए, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कॉलिन थ्योरी ऑफ मोड्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कॉलिन थ्योरी ऑफ मोड्स, ठीक है। सेकेंड हो गया एथिकल क्रिटिसिज्म कॉलिन द थ्योरी ऑफ सिंबल्स। नेक्स्ट आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म कॉलिन अ थ्योरी ऑफ मिथ्स, मिथ्स आर्किटाइपल, अब ये याद रहेगा आपको। रिटोरिकल क्रिटिसिज्म कॉलिन थ्योरी ऑफ जॉनरास, है ना, ये चार हो गए। नाउ इतने पे अभी तो क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, आप ध्यान में रखिए तो अच्छा होगा।
Now, moving on to the next one, Carl Jung. Now, he was a Swiss psychiatrist and psychologist जिन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी को डेवलप किया है, ठीक है. नाउ हिज थ्योरी एम्फसाइज़ेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस. आप ये पढ़ेंगे, हम अनकॉन्शियस माइंड पढ़ेंगे, उन्होंने बताया है इस चीज़ के बारे में. कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. सो ही एक्चुअली सेड दैट ह्यूमन साइके इज कम्पोज ऑफ थ्री मेन एलिमेंट्स, ठीक है. तो द कॉन्शियस होता है, द पर्सनल अनकॉन्शियस होता है एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है. तो ये क्या है ये हम समझ लेते हैं, राइट. नाउ वेट अ मिनट. नाउ इन सारे पॉइंट्स को इन्होंने एक वर्क में दिया है, मैंने मेंशन करना शायद आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, सो लेट मी राइट इट. आर्किटाइप एंड कलेक्टिव unconsciousness, ठीक है. unconscious, okay, you can also search that, है ना. यहाँ पे दो होगा, ठीक है. अब हम समझते हैं क्या है कॉन्शियस माइंड, क्या है पर्सनल कॉन्शियस. हम सिगमंड फ्रॉयड भी समझेंगे ना, तो इसी से रिलेटेड थोड़ी, मतलब इसी तरह की कुछ जो होगी कॉन्सेप्ट होगी, थ्योरी होगी, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बात की है. तो कॉन्शियस माइंड हम समझते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स आर इमीडिएट अवेयरनेस थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट वी आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग. अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अभी मुझे जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, इमीडिएट अवेयरनेस जिस चीज़ के बारे में या थॉट्स एंड फीलिंग्स जो है करेंटली जो मैं फील कर रही हूँ, ठीक है, उसे कॉन्शियस माइंड जो है कॉन्शियस माइंड में हमारे रहती है और इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. सेकेंड हो गया पर्सनल अनकॉन्शियसनेस, राइट. ना पर्सनल अनकॉन्शियस में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग में रहती है बट जल्दी से याद नहीं आती, दबी हुई रहती है. ऐसा नहीं होता बुक की शेल्फ हम सजाते हैं तो बहुत सारी बुक जो है अंदर में रहती है, ऊपर नहीं रहती तो हमें मिलती ही नहीं है, एक्सेसिबल नहीं होती. तो उसी तरह की चीज़ है ये, एक्सपीरियंसेस हम करते हैं, इमोशंस हम फील करते हैं बट वो थोड़ी दबी हुई रहती है और हर इंडिविजुअल की जो रहती है वो यूनिक रहती है, ठीक है. अब एक्सेसिबल बट कैन इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड परसेप्शंस. और ऑफकोर्स ये जो है कॉन्शियसली आर नॉट कॉन्शियसली एक्सेसिबल बट हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे परसेप्शन को, बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करती है. हम चीज़ें, हमें लगता नहीं है कि हमें पता है, हमें लगता नहीं है कि हमें वो याद है, हमने वो फील किया, बट हमारे जो एक्शंस में ना वो उसका इन्फ्लुएंस दिखता है. नाउ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस के बारे में बात करते हैं. द शेयर रिजर्वर ऑफ सिम्बल्स मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है. मतलब पूरे जो जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक ही तरह के जो हैं सिम्बल्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, उसको हम लोग कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं. जैसे आर्किटाइप्स भी कहते हैं, जंग रेफर टू दिस शेयर एलिमेंट्स एज आर्किटाइप्स. जैसा मैंने बताया ना, हीरो हो गया, विलन हो गया, विभीषण हो गया, रोमियो जूलियट हो गए, तो क्या लव इज इन द एयर, तो हर जगह होती है, हवा में है ना. तो दैट इज़ यूनिवर्सल सिम्बल्स एंड पैटर्न्स दैट आर पार्ट ऑफ द कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस. पार्ट होती है, कलेक्टिवली आप फील कर रहे हो, आप अलग अलग फील नहीं कर रहे हो. तो कॉन्शियस हो गई, पर्सनल अनकॉन्शियस हो गई, कलेक्टिव अनकॉन्शियस हो गई, ठीक है. चीज़ें क्लियर हो गई. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन ऑफकोर्स, मॉड वॉटकिन के बारे में बात कर लें. शी वॉज अ ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक एंड ऑथर नोन फॉर हर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है और सिंगल वर्क ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आर्किटाइपल पैटर्न इन पोइट्री कॉलन साइकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ इमेजिनेशन, जिसको पब्लिश कराया था 1934 में. अब आपको पढ़ना क्या है, इसमें क्या जानकारी चाहिए आपको, वो समझिए. बहुत सारी चीज़ों पे जो है आर्किटाइप्स के बारे में बात हुई, तो वॉटकिन ने ना पोइट्री में क्या क्या आर्किटाइप्स जो हैं प्रेजेंट हैं उनके बारे में बात किए हैं. एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटाइप्स एंड देयर प्रेजेंस इन पोइट्री, ये एक्चुअली टॉक्ड अबाउट पोइट्री, ठीक है. नाउ मॉन्ट वॉटकिंस आर्किटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री एंड इट्स मेन आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ आर्किटाइप्स एंड इट्स देयर साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन लिटरेचर कैन हेल्प यू एनालाइज एंड इंटरप्रेट पोएम्स इफेक्टिवली. अब ये तो मैंने कहा है, कोई भी चीज़ को जैसे आप इनके आइडियाज़ को समझो या जितने भी आर्किटाइपल राइटर्स को के आइडियाज़ को समझो ना, इससे क्या होता है लिटरेचर का एक पीस ऑफ वर्क को जो है समझना बहुत आसान हो जाता है, इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है. और मॉड वॉटकिन के जो थ्योरी है, का जो थ्योरी है उसके वजह से पोएम को भी इंटरप्रेट करना इफेक्टिवली आसान हो गया है, ठीक है.
नाउ आई होप थिंग्स आर क्लियर. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सो मेनी थ्योरीज, है ना. हमने सारे थ्योरीज जो है आर्किटाइप्स पे कवर कर लिए हैं. हम नेक्स्ट लेक्चर पे जो है कौन सी पढ़ेंगे वो सीक्रेट रहने दीजिए, है ना. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल द वेरी बेस्ट.